हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। फाइनली क्रिकेट 24 ऑफिशियली रिवील हो गई है बाय बिग एंड स्टूडियोज, एंड हियर वी हैव क्रिकेट 24 डेवलपर डायरी। एंड दिस वीडियो इज बेसिकली ऑन लाइसेंसिंग। इसमें इन्होंने लाइसेंसिंग की डिटेल से प्रोवाइड किया, एंड क्रिकेट 24 के क्लिप्स, गेम प्ले एंड डिफरेंट चीजें इसकी इनमें शोकेस की हुई है इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स सी कि क्या आया है क्रिकेट 24 से रिलेटेड हमारे पास, एंड फिर इस पर मैं अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन भी देता हूँ। डेवलपर डाई, क्रिकेट 24 इज द मोस्ट हेविली लाइसेंस्ड क्रिकेट गेम। वी स्पेंट इयर्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड साइनिंग अप द नेशंस। ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड क्रिकेट 22 से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड लग रहे हैं, बिकॉज फेसेस की टेक्सचर देखो यार, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल। फ्रॉम द मेजर्स टू द मिन, वाओ, राशिद खान का फेस देखो भाई, बहुत ज्यादा डिटेल्ड फेस इन्होंने ऐड किया है। एंड अगर थोड़ा सा गौर करो आंख पर, अगर सिर्फ आई पर फोकस करो तो काफी ज्यादा अच्छा है, एंड फेस के टेक्सचर एंड सब कुछ वेरी गुड। एंड राशिद खान ने शर्ट पहनी हुई है गुजरात टाइटंस की, विच मीन्स दैट गुजरात टाइटन क्रिकेट 24 के अंदर लाइसेंस्ड होने वाली है। you know, for the first time ever, a cricket game goes global. एंड रॉस सेवेंस कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम क्रिकेट 24 ग्लोबल जाने वाली है, मतलब इसके अंदर सारी क्रिकेट की टीम्स हो सकता है इंक्लूडेड हों। कल इसके स्क्रीनशॉट्स एंड कल से डे आफ्टर टुमारो इसका टीजर आएगा, तो उसमें हमारे पास हो सकता है सारी टीम्स की भी रिवील आ जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी टीम्स इंक्लूडेड होने वाली हैं। ये तो सेम क्रिकेट 19 वाला क्लिप है यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने क्रिकेट 19 और क्रिकेट 22 और क्रिकेट 24 सारा मिक्स वीडियो डाली है डायरीज के अंदर। चलो तो टीजर आएगा तो हमें 100% कंफर्म हो जाएगा ये क्रिकेट 24 है या नहीं, बट अभी देखने में ये क्रिकेट 19 लग रही है यहाँ पर। It has a... wow, मेन्यू इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले इसका लाइट सा मेन्यू था जो टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा चुभता था, बिकॉज व्हाइट एंड पर्पल कलर मेरा फेवरेट कभी भी नहीं था, ये ग्रीन और ब्लैक काफ़ी डिसेंट लुक दे रहा है। एंड अगर यही क्रिकेट 24 के फाइनल वर्जन तक रहा, आई रियली होप दैट कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड करियर मोड के अंदर ये कैलेंडर दिखा रहे हैं जो क्रिकेट 22 में भी इंक्लूडेड था, सो नॉट सो मच स्पेशल थिंग इफ इट इज अ फीचर। कैरिबियन प्रीमियर लीग इंक्लूडेड है, वाओ, मुंबई इंडियंस की शर्ट, एंड ये प्लेयर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में मुझे गेस अपना बताओ कि ये कौन है। रोहित शर्मा तो ये मुझे नहीं लग रहा किसी भी एंगल से, एंड सूर्य कुमार यादव शायद हो, या चलो कोई भी है, आगे कंटिन्यू। डेविड वार्नर, एंड ये है हमारे पास दिल्ली कैपिटल्स की टीम, काफी अच्छी लग रही है, बिल्कुल ओरिजिनल है। बट एक चीज, वार्नर राइट हैंडेड क्यों है? क्रिकेट 24 वाले नशे में तो नहीं है? इंडिया एंड बैट भी राइट हैंड से होल्ड किए हुए हैं। आगे आगे हमारे पास बीबीएल, बीबीएल का यार इंटरफेस बिल्कुल क्रिकेट 22 से सेम है, एंड ये जो बॉलिंग स्टाइल में आफ्टर टच है, ये जो टाइमिंग वाला है, एंड ये टोटल जितना भी एचयूडी है वो क्रिकेट 22 वाला ही है, जिसका मतलब काफी डिसअपॉइंटिंग है। मतलब थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, फ्रेश लुक देनी चाहिए क्रिकेट 24 वाली, एंड ये ऑडियंस भी जो क्राउड है वो भी मुझे क्रिकेट 22 वाला ही लग रहा है। हो सकता है ये क्रिकेट 22 का क्लिप इन्होंने ऐड किया हो, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है क्रिकेट 24 ही हो। वैसे डेवलपर डायरीज क्रिकेट 24 की है तो क्रिकेट 24 ही होगा, एंड अगर ये क्रिकेट 24 है तो ये डिसअपॉइंटिंग है। इन्हें ये चेंज करना चाहिए फाइनल रिलीज से पहले, थोड़ी सी अट्रैक्टिव और न्यू लुक या न्यू वाइब इन्हें हमें देनी चाहिए। शॉट भी वो सेम ही थी जो इसने अभी प्ले की है, लाइक जस्ट सी दिस थिंग, कि ये जो अभी इसने शॉर्ट प्ले की है ये ऑलरेडी क्रिकेट 22 में इंक्लूडेड है। बैश अप, ठीक है, एंड टॉस आ गया 100। हाँ, ये क्रिकेट 24 ही है क्योंकि बस समझ आ रही है ना, साथ में इसने प्रोग्राम भी खोला हुआ है। Maybe an Ashes। वाओ, इंटरफेस इन्होंने चेंज कर दिया, क्राउड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, एंड ये पीछे जो स्पॉन्सर्स का लिखा हुआ है ये भी ब्लैक के ऊपर व्हाइट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, पर जो ग्राउंड की वाइब है वो क्रिकेट 19 वाली आ रही है, थोड़ा जो कलर ग्रेडिंग है वो क्रिकेट 19 वाली इसमें नज़र आ रही है। एंड वैसे ग्राफिक प्रीटी मच आसम है, अच्छे हैं, डिसेंट हैं, लाइटनिंग का बिल्कुल परफेक्ट लाइटनिंग है, ये देखो
यहाँ पर भी लाइट है एंड यहाँ पर उसका बिल्कुल हल्के से वेरी लो किस्म के शेडोज पड़ रहे हैं जो ऐसी धूप में पड़ते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर क्राउड से मैं बहुत ज़्यादा आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड ये इन्होंने जो इसकी इंटरफेस चेंज की है इट ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी गुड। And then maybe time to start it all over again. यार ये सेम क्रिकेट 22 है, ये मतलब इन्हें इंटरफेस यहाँ पर चेंज करना चाहिए। ये इंटरफेस मुझे मतलब अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, वर्ल्ड कप वाला ये इंटरफेस उठा लो वो अच्छा रहेगा। एंड ओवरऑल अगर स्टेडियम की क्वालिटी देखो तो स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, स्टेडियम काफ़ी अच्छा बना है, बट ये इंटरफेस अगर चेंज हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। ये ऊपर क्रिकेट 24 भी लिखा है तो ये तो 100% क्रिकेट 24 ही है। स्टेडियम बहुत अच्छा है बट ये जो अंदर का ये है ना HUD, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वाओ बड़े मजे की शॉट थी यार ये, क्रिकेट 24 में लगता है नहीं इंक्लूडेड थी, थोड़ा सा और पीछे एंड वाओ बैंक। The great thing with all these licenses. Which means that क्रिकेट 24 के अंदर डिफरेंट शॉट्स इंक्लूड की गई हैं, न्यू शॉट्स, तो अगर गेम प्ले काफी अट्रैक्टिव होगा क्रिकेट 24 का तो रियली इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट। In career is it allows the player to really experience each different format that you can have वेट within the वेट वेट sport. वेट जस्ट सिंगल सेकेंड, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, एंड यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा यहाँ पर। क्रिकेट 24 का न्यू स्प्लैश स्क्रीन आ गया है कि जब भी सीन चेंज होता है तो इसे डिफरेंट इंटरफेस इन्होंने ब्लू कर दिया जो काफी ज्यादा अट्रेक्टिव लग रही है। बट अगर ये भी फिर ब्लू होता ना इस ब्लैक के साथ जो कंपैरिजन है, या ये भी ग्रीन होता तो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते, बिकॉज कलर थोड़े से इंटरचेंज हो जाते हैं। अभी कलर्स बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है इन्हें ब्लू करना चाहिए। ये हम लोगों की सुने जल्दी से जल्दी, तुम इनकी ऑफिशियल पेज पर जाकर कमेंट्स करो, इन्हें बताओ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे ये ऐसी छोटी मोटी चीजें चेंज कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी जाकर इनकी वेबसाइट पर एंड मेरे यहाँ पर यूट्यूब के नीचे यहाँ पर भी कमेंट करके तुम मुझे बताओ जो कुछ तुम्हें अच्छा लगे, जो बुरा लगे, सारे मिलकर ईमेल करते हैं। छोटे मोटे चेंजेस तो कर ही देंगे रिलीज से पहले, एंड लेट्स कैरी ऑन, आगे देखते हैं आगे क्या हमें देखने को मिलेगा। format that you can have within the sport. से ये शॉर्ट्स कुछ पुरानी हैं एंड कुछ न्यू शॉर्ट्स इसके अंदर You've got your इंक्लूडेड हैं। ये एनिमेशन बहुत ज्यादा बुरी है क्रिकेट के अंदर, अगर मुझे बोल्ड होने पर सबसे बुरी एनिमेशन लगी है तो वो यही लगी है। ये देखो बोल्ड होकर जो ये इस तरह पीछे हाथ करके डिसअपॉइंटेड सा हो जाता है, अगर बोल्ड हो जाए तो थोड़ी सी एनिमेशन डिफरेंट रखनी चाहिए। एंड got उसके your बाद England. बॉलर भी सीधा अगर खड़ा हो जाता है तो सेलिब्रेशंस इंक्लूड इन्होंने मीन नहीं की, सेलिब्रेशंस इंक्लूडेड होनी चाहिए थी। देखेंगे होपफुली होपफुली ये इंक्लूड कर दें, क्योंकि अभी जस्ट लाइसेंसेस का था तो इससे 100% हम कंफर्म नहीं कर सकते, बट लेट्स सी क्या देखने को मिलेगा फाइन एज अ फाइनल प्रोडक्ट। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, वाओ ब्रो क्या कमाल है, फेस टेक्सचर्स एंड जो ग्राफिक्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड हैं। लाइक जो भी टेक्सचर्स थे, जो मॉडल्स थे, वो रिक्रिएट किए गए हैं एंड इट लुक्स न्यूजीलैंड, प्रीटी मच आसम। ये न्यूजीलैंड का प्लेयर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठीक है ये मेन्यू का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड वाओ पैड्स वगैरह भी क्रिकेट 24 के अंदर लाइसेंस होने वाले हैं। लाइक पहले जो पैड्स थे उन पर हम लोगोज ऐड कर देते थे, अभी इन्होंने प्रॉपर लाइसेंस्ड कर दिए हैं पैड्स। Equipment. So we've got even more bat manufacturers. We've got pads, gloves, helmets. So along with the animations that are also पैड्स, बैट्स, ग्लव, ये तीनों चीजें लाइसेंस्ड प्लेयर्स के साथ लाइसेंस्ड ही इंक्लूडेड होने वाली हैं, व्हिच इज रियली ऑसम यार, काफी अच्छा रहेगा ये। So associated with those players, it really does make it feel like it's a real life person that's actually in there. वाह काफी ज्यादा अच्छा मॉडल है। आईज के अंदर डिटेल चेक करो, आईज के अंदर भी प्रॉपर लाइंस छोटी छोटी शो हो रही हैं। ग्राफिकल तो इसमें इम्प्रूवमेंट आई है क्रिकेट 24 के अंदर, जो इन्होंने फेस के मॉडल्स हैं इन पर काफी ज्यादा वर्क किया है, नजर आ रहा है। यार ये देखो कितना ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल उस डेफिनेशन पर ना जाना अच्छा, अगर कोई है या नहीं जा रहा जैसे भी हो। एंड ओवरऑल फेस के टेक्सचर्स बहुत अच्छे हैं, फेस पर जो लाइटनिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, फेस की डिटेल्स बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है क्रिकेट 24 के अंदर। एंड लेट्स सी फाइनल प्रोडक्ट में हमें क्या देखने को मिले। ये देखो भाई लाइटनिंग, टेक्सचर्स एंड मॉडल्स, प्लेयर्स इटसेल्फ, इनके फेसेस पर बहुत अच्छा काम किया गया। एंड ये हेयर स्टाइल भी आई थिंक न्यू इंक्लूडेड है, क्रिकेट 22 में नहीं था। एंड बियर्ड भी शायद A real हो cricketer सकता है। and you get them for real in the game.
it makes for a real experience. सही है, ये भी न्यू थिंग है एंड काफी ज्यादा डिसेंट थिंग दैट सेट्स काफी अच्छी क्रिकेट 24 अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ आवर प्रीवियस. यस, ये चीज भाई जो भी प्लेयर है बीबीएल का ही कोई प्लेयर है, बट इसमें ग्राफिक्स देखो यार, इसकी हेयर कट प्रॉपर काफी अच्छी है एंड उसके बाद बियर्ड एंड काफी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है. लाइक ग्राफिक्स क्रिकेट 24 के अच्छी हैं, ये जो पीछे क्राउड है ये भी डिसेंट है एंड वाओ ये जो स्पॉन्सर्स की है ये लाइक मूव कर रही है, ये जो लोगोस वगैरह हैं तो ये भी काफी अच्छा अट्रैक्टिव और रियलिस्टिक फीलिंग दे रहा है हमें. प्रीवियस गेम्स एंड अदर्स प्रीवियस गेम्स इज द डेप्थ. लास्ट थिंग जो अभी ये डेप्थ की बात कर रहे हैं हमारे पास, ये जो एक्स्ट्रा प्लेयर है इसकी भी इन्होंने एनिमेशन डाली हुई है. जब रीप्लेज में हम ये देखते हैं तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वाइब देता है, अनलाइक क्रिकेट 22 जिसमें प्लेयर स्टैटिक ही खड़े रहते थे, बोट सी फीलिंग आती थी, इसमें काफी अच्छा लग रहा है मुझे. एंड ओवरऑल स्टेडियम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टेडियम इन्होंने बहुत बहुत अच्छे बनाए हैं. एंड आई होप इंडिया एंड पाकिस्तान के स्टेडियम भी हमें इतने अच्छे देखने को मिले. मोस्ट लाइसेंस्ड क्रिकेट गेम एवर होने वाली है क्रिकेट 24. तो ऑफकोर्स ये लाइसेंसेस की वीडियो थी, थोड़ा सा पीछे कर दूँ कॉपीराइट ना आ जाए. तो ये क्रिकेट 24 की लाइसेंसेस की वीडियो थी बेसिकली. कल हमें स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे एंड डे आफ्टर टुमारो हमें देखने को मिलेगा क्रिकेट 24 का टीजर एंड देन नेक्स्ट डे हमें देखने को मिलेगा क्रिकेट 24 का ट्रेलर एंड क्रिकेट 24 इटसेल्फ भी लॉन्च हो जाएगी. तो काफ़ी ज़्यादा लाइक ग्राफिकल इम्प्रूवमेंट्स या ग्राफिकल व्यूज या प्लेयर्स के लाइसेंसेस तो इन्होंने अभी बता दिए, मतलब बाकी डिटेल जो गेम प्ले की है एंड अदर चीज़ें वो हमें इसके बाद देखने को मिलेंगी नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर. तो उस पर भी मैं जब भी कोई न्यू थिंग आएगी तो रिएक्शन बना दूंगा. एंड जो लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट 24 इज़ द सेम गेम विद डिफरेंट नेम, हाँ तो एक दो जगह इस तरह लगता है कि बिल्कुल लाइक क्रिकेट 22 ही है, जस्ट इन्होंने नेम चेंज कर दिया है. लाइक वो जो जगह थी जहाँ पर वो शॉर्ट प्ले कर रहा था, कौन सी जगह थी ठहरो, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, तो नहीं मिल रहा. मिलेगा मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, चलो कोई बात नहीं. हाँ तो कुछ ऐसी जगह हैं जिन पर इस तरह लगता है कि क्रिकेट 22 ही है, लाइक दिस वन बिल्कुल क्रिकेट 22 लग रही है. अगर किसी क्रिकेट 22 के प्लेयर को फर्स्ट स्पॉट पर बताओ वो यही कहेगा कि क्रिकेट 22 ही है. बट यहाँ पर ये देखो पीछे क्रिकेट 24 लिखा नज़र आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये क्रिकेट 24 है. एंड ऐसी अगर चीज़ है तो हाँ लगता है कुछ जगह पर लग रहा है कि क्रिकेट 24 इज़ द सेम गेम विद डिफरेंट नेम. बट अगर इसके अंदर गेम प्ले मैकेनिक्स न्यू एडेड हैं, लाइक जिस तरह ये अभी न्यू शॉट इसके अंदर इंक्लूडेड है एंड प्लेयर्स के फेसेस पर इतना अच्छा वर्क किया गया है, तो अगर ये सब कुछ इंक्लूडेड है क्रिकेट 24 के अंदर जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसे सेम गेम विद डिफरेंट नेम कहना काफ़ी ज़्यादा गलत होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर. तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट नहीं यार, इट इज़ काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है. मतलब बहुत कुछ हमें इसके अंदर न्यू भी देखने को मिला है. अगर ग्राफिकल वाइज कहो तो हाँ, क्रिकेट 22 का ये रीमास्टर, इसे रीमास्टर कहना बहुत अच्छा रहेगा. मतलब इन्होंने ग्राफिक्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है एंड उसके बाद करेक्टर्स के मॉडल्स को अपग्रेड किया है, उसके बाद गेम प्ले में अंदर न्यू शॉट्स इंक्लूड किए हैं, लाइसेंसेज हमारे पास न्यू ऐड किए हैं, न्यू कंपटीशंस ऐड किए हैं. तो सेम गेम विद डिफरेंट गेम विद डिफरेंट नेम नहीं है. अगर तुम सेम गेम विद डिफरेंट नेम कहते हो तो कॉल ऑफ ड्यूटी को कहो, फीफा को कहो, इसे अभी, क्योंकि अभी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा न्यू चेंजेस ऐड किए हैं, तो अभी इसे सेम गेम विद डिफरेंट नेम कहना गलत होगा. सो एनीवेज तुम्हें वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा है तो लाइक करो, अगर पॉइंट ऑफ व्यू कंट्रडिक्ट करता है तो कमेंट सेक्शन में तुम कह सकती हो. मैं तुम लोगों से, जब तक तुम लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाते या मैं खुद हार नहीं मान लेता, तब तक कमेंट सेक्शन में मैं तुमसे मतलब बात करता रहूँगा, लड़ाई करता रहूँगा, जो कुछ भी होगा करता रहूँगा. ओके, सो वीडियो पहले ही 15 मिनट्स की होने वाली है एंड अपलोड करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय. तुम कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू फेंको एंड मैं भी आकर इन सबको पढ़ता हूँ. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.